गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल्स। तो आज आपका बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। हम लोग का सेल यूनिट चल रहा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके हम लोग सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन करके। तो आज हमारा एक ऑर्गेनल आया है हमारे सामने, क्या है वो, उसका नाम है प्लास्टिड्स। ठीक है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ये सेल का क्या है, ऑर्गेनल। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिड है, आपके सारे लिखा हुआ है पॉइंट वाइज करके, हम लोग एक चीज़ को डील करते चलेंगे और देखते चलेंगे और समझते चलेंगे इसको। ठीक है, और ये प्लास्टिड का आपका क्लियरली डायग्राम बनाया हुआ, जो कि आप आसानी से, मैं आपको बता दूंगा कि जो मार्क किया हुआ है कौन क्या है और क्या उसका फंक्शन होते हैं। तो प्लास्टिड सबसे पहला हमारे सेल ऑर्गेनल है। ऐसा कैसा है ऑर्गेनल है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। यूकैरियोटिक सेल की बातें हो रही है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन और बॉन्डेड ऑर्गेनल है, जिसकी की लेंथ क्या होती है, 5 to 10 माइक्रोमीटर्स होती है उसकी लेंथ, और ब्रेथ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर्स इसकी ब्रेथ होती है इस प्लास्टिड का। और ये कहाँ पे पाया जाता है, एक्चुअली ये कहाँ पे पाया जाता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल और इग्लिनाइड्स में। इग्लिनाइड्स का मतलब जिससे आ जाएगा इग्लिनाज, जिसका कि डॉल नेचर होता है आपका प्लांट लाइक और एनिमल्स लाइक, उसमें पाया जाता है ये प्लास्टिड्स। इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो कौन थे, मींस हैकल 1866 में। ठीक है, ये हुआ। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट्स में इसका। ठीक है, उसके बाद हम इसके डायग्राम पे आएंगे। फर्स्ट पार्ट समझ चुके हैं आप। सेकेंड पार्ट कहता है कि दे कंटेन स्पेसिफिक प्लास्टिड, क्या है ना, एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर टाइप का पिगमेंट ये कंटेन करके रखता है सेल। सेल में जो प्लास्टिड है वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं पार्टिकुलर टाइप ऑफ पिगमेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे पिगमेंट के बारे में, जस्ट आ रहे हैं उसके नीचे वाले पॉइंट। पिगमेंट का काम क्या है ना, कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। ठीक है, इसके इस पिगमेंट्स का काम क्या है, एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है प्लांट के लिए। तो अब कहता है कि पिगमेंट के आधार पे, ठीक है, पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिड को 3 पार्ट में बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। ये करने वाले साइंटिस्ट का नाम था सिंपर। अकॉर्डिंग टू सिंपर प्लास्टिड इज क्लासिफाइड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स, 3 डिवीजन में इसको बांट दिया गया है। वो पहला क्या था, क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ऐसा नहीं कि आप नाम से परिचित नहीं है, पहले भी सुन चुके हैं, क्लास 9th में भी सुन चुके हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द लिकोप्लास्ट। ठीक है, किसके आधार पर, ये तीनों जो डिवीजन हुआ है, तीनों का जो नाम आया है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट के आधार पे बांटा गया है कि किसमें कौन से टाइप का पिगमेंट मौजूद है। तो 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट में इसको बांटा गया। अब ध्यान देंगे हम लोग वन बाय वन कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट करने का मतलब है, देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है आपका क्लोरोफिल एंड कैटोनाइट्स पिगमेंट्स में पाया जाता है। आप क्लोरोफिल पिगमेंट्स का नाम सुने हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ग्रीन कलर टू द प्लांट बॉडी। ठीक है, आप बोलते हो कि प्लांट का कलर ग्रीन होता है, तो किसके कारण था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में आपको, जैसे कि मैं क्लोरोफिल का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, आपको बाद में रिकॉल करवाता हूँ, C55H72O5N4RNG, इट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल, जिसमें कि मैग्नीशियम मेटल आपका होते हैं। इसका काम क्या है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग एनर्जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे कौन सा एनर्जी, एनर्जी में भी कैसा है, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी ध्यान देंगे। क्लोरोफिल एंड कैटेनाइट पिगमेंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे प्रकार के प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे प्रकार के प्लास्टिड है जिसमें कि पिगमेंट कौन होगा, क्लोरोफिल या फिर कैटेनाइट पिगमेंट्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, याद रहे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी एंड इन प्रोसेसिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं क्लोरोफिल। क्लियर, ये कहाँ पर पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट। अब दूसरा में आता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट नाम से, क्रोम का मतलब ही होता है, ठीक है, क्रोम, क्रोमोप्लास्ट कलर।
ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रोमोप्लास्ट या कंटेन पिगमेंट, इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? कैटोनिक कैरोटीन जेंटोफिल, कैरोटीन जेंटोफिल, इस टाइप के जो पिगमेंट्स होते हैं विच इज फैट सोलबुल। क्या होता है वो? फैट सोलबुल होते हैं। क्या होते हैं? फैट सोलबुल्स। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग येलो ऑरेंज एंड रेड कलर टू द प्लांट बॉडी। ठीक है, तो ये किस में रिस्पॉन्सिबल होता है गिविंग येलो कलर्स, ऑरेंज कलर्स एंड रेड कलर्स टू द प्लांट बॉडी? ये सब कलर अगर दे रहा है तो उसका नाम होता है क्या है? क्रोमोप्लास्ट। मीन्स ये प्लास्टिड का पार्ट है, ये भी पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा प्लास्टिड का सेकेंड पार्ट क्या था आपका? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये सब कलर्स आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो कलर हमें लिखा हुआ है, ये सब जो कलर है, ये चीज। अब आता है लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस है। लिकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए विच वन इज द कलरलेस प्लास्टिड, तो आपको लिकोप्लास्ट मार के आना है। ठीक है, लिकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड। इसका काम क्या है ना कि स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, हो गया प्रोटीन्स, हो गया फैट्स, हो गया, ये सबको क्या करता है? ये स्टोर करता है कलरलेस प्लास्टिड एंड कैन स्टोर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, समथिंग जो भी, उसको क्या करता है? ये स्टोर करता है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स, अब लिकोप्लास्ट का क्या किया गया? फर्दर डिवीजन कर दिया गया। ठीक है, फर्दर डिवीजन किया गया लिकोप्लास्ट कि किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को ये स्टोर कर पाता है, उसके आधार पे इसको बांटा गया। न्यूट्रिएंट्स तो हमारे पास बहुत प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, समथिंग जो भी, तो उसके आधार पे इसको कि किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स ये अपने अंदर स्टोर कर पाता है, छुपा के रखे हुए हैं, उसके आधार पे लिकोप्लास्ट को तीन पार्ट में बांट दिया गया। पहला आपने देख रहा है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का मतलब सुनने से लग रहा है एमाइलेस, स्लेवरी एमाइलेस का नाम सुने हो, जो कि स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है? वो ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? स्टार्च। प्लांट का आप जानते हो रिजर्व फ्रूट क्या होता है? स्टार्च होता है। जैसे एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है, यहाँ पे प्लांट में रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये एमाइलोप्लास्ट लिकोप्लास्ट का ही प्रकार है, लिकोप्लास्ट का टाइप्स है, जो कि स्टार्च को छुपा के रखे हुए हैं, स्टोर करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं आपका लिकोप्लास्ट का ये प्रकार है एमाइलोप्लास्ट। और सभी क्या है? प्लास्टिड है। चाहे एमाइलोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड है, लेकिन किसका प्रकार? लिकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्ट, प्लास्टिड का ये टाइप है। फर्स्ट टाइप एमाइलोप्लास्ट विच कैन स्टोर स्टार्च। अब मैं आ रहा हूँ सेकेंड में, इसके बाद है आपका एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट का मतलब ये होता है कि अपने अंदर क्या छुपा कर रखा हुआ है। कोई आपसे पूछेगा एलायोप्लास्ट क्या छुपाया है, बोलिएगा फैट्स और वाइल्स को छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो फॉर्मर था वो क्या छुपा के रखा हुआ था? इसके पहले वाला जो पढ़ाया आपको एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च को छुपा के रखा हुआ है। ठीक, स्टोर करके रखा हुआ है। उसी तरह से फाइनली लास्ट में एलियोप्लास्ट है। एलियोप्लास्ट उसका काम क्या है? ये कहता है प्रोटीन को हम छुपा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन स्टोर करके रखा हुआ है। एलायोप्लास्ट आपका फैट्स एंड वाइल्स को स्टोर करके रखा हुआ है, और एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को, मीन्स स्टार्च को स्टोर करके रखे हुए हैं। ठीक है, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉलीमर्स है, ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ, आप थोड़ी सी हम फिगर की ओर चलते हैं, आपको फिगर समझा देते हैं, उसके बाद हम इसका फर्दर डिवीजन अभी देखने वाले हैं। इसका इसके बाद जो हम देखेंगे कि इसके बाद भी इसका जो फिगर है, इसके बाद जो है आपका ग्रेनम क्या है, थायरॉइड्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये जो फिगर दिया हुआ, सबसे पहले प्लास्टिड क्या है? ये सेल का ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर ही मौजूद होता है, प्लांट सेल के, इग्नोनाइट्स सेल के अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, कहाँ पे फ्लोट करता है आपको पता ही है, साइटोप्लाज्म में खेला कूदा करते हैं ये प्लास्टिड। कहाँ है? जो भी सेल ऑर्गेनेल है कहाँ पे खेलते कूदते हैं? ठीक, वो कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में। तो समझ जाइए कि एक तरह से ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये सब चीज़, ये आपका जो ब्लैक बोर्ड है, एक तरह से साइटोप्लाज्म मान लीजिए, ये सब उसके बाउंड्रीज है, दिख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और बाकी ये क्या है? उसके अंदर सेल के ऑर्गेनल्स हैं, उसका नाम है प्लास्टिड। ठीक है, अब प्लास्टिड में देखिए सबसे पहले है कि डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। आपको पहले बता दें कि डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन के नाम से इसको जाना जाता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसमें डीएनए होता है, इसके अपने पास डीएनए होते हैं। डीएनए मतलब देख रहे हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है।
इसके अंदर ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक कलर का गोल गोल स्ट्रक्चर मैं दिखाया हूँ, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिड राइबोसोम। उसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिड में प्रेजेंट राइबोसोम। इसी कारण क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज भी कर, प्रोटीन स्टोर हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे जो अंदर में देख रहे हैं, इनसाइड अंदर में जिस तरह से विस्कस फ्लूइड रहता है, एक मैट्रिक्स रहता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, जो कि सारे ऑर्गेनल उसके अंदर उसी कह सकते हैं उस फ्लूइड के आसपास फ्लोट करते रहते हैं, फ्लूइड के अंदर उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स या फिर एस्ट्रोम। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, देख रहे हैं इंजाइम है, डाइन है, क्या चीज़ से बना हुआ है, इंजाइम है, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है। राइबोसोम का प्रकार क्या है, 70S राइबोसोम है, जो कि स्मॉलर होता है इन कंपेयर टू साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम ऑफ 80S टाइप। उसका 80S टाइप होता है राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम ऑफ 80S टाइप आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जो यहाँ पे राइबोसोम होता है 70S टाइप है, विच इज स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स एस्ट्रोमा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, जो ये देख रहे हैं ये इस टाइप से जो बनाया हुआ है, लग रहा है कि क्वाइन अरेंज है, एक तरह से क्वाइन सजाया हुआ है, पाइल्स ऑफ क्वाइन है जिसको बोलते हैं, पाइल्स ऑफ क्वाइन, क्वाइन के ऊपर सिक्का, ऊपर सिक्का रख देते हैं, तो इस तरह से पाइल्स ऑफ क्वाइन बना हुआ है। ये टोटल के कलेक्शन को पाइल्स ऑफ क्वाइंस को बोला गया है, टोटल के कलेक्शन को क्या बोला गया, पाइल्स ऑफ क्वाइंस को क्या बोला गया, ये एक ऐसा ऐसा तो बहुत है यहाँ पे, ये है, ये है, ये है, बहुत सारे हैं, तो लेकिन ये एक को, टोटल को, एक पाइल्स ऑफ क्वाइन एक को सिंगल को, युवा को, इसको बोला गया ग्रेनम। ठीक है, इसको क्या बोला गया, ग्रेनम बोला गया, समझे। अब यही ग्रेनम, एक ग्रेनम, दो ग्रेनम, तीन ग्रेनम, बहुत सारे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, उसी को कलेक्टिवली बोल दिया गया क्या, थैलोकॉइड्स। इसको क्या बोला गया, थैलोकॉइड्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाता है थैलोकॉइड्स। ठीक है, वहीं पे क्या जाके हमारा क्या होता है, किलाइट रिएक्शन होता है, हम लोग पढ़ेंगे जब प्लांट फिजियोलॉजी में, वहाँ पे ज़्यादा इसका डिस्कशन हो, इसको ग्रेनम बोल सकते हैं। अब देखिए कि ये जो है, ये एक इसको देख रहे, इस पार्ट को देख रहे हैं, ये है, ये हो गया आपका सिंगल, ये हो गया सिंगल, यही सबको मिला के सब टोटल को इंटीग्रेटेड कर देंगे, टोटल इंटीग्रल कर देंगे इसका, एक को, दो को, तीन को, सबका सम अप कर देंगे, तो एक तरह से पूरे थैलोकॉइड्स बना देंगे, क्या हो जाएगा, थैलोकॉइड्स हो जाता है। यही हर जगह पे क्या होता है, क्या होगा थैलोकॉइड्स में, क्या होता है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन हुआ करते हैं, समझ रहे बात। और ये इसके अंदर हर एक ये जो देख रहे हैं, इसके अंदर एक स्पेस रहता है, ठीक है, स्पेस रहता है, इस टाइप का स्पेस रहता है, उसको बोलते हैं ल्यूमेन, इसको बोला जाता है ल्यूमेन बोला जाता है। और ये एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जो जुड़ा हुआ है, इसको देख रहे हैं जोड़ने वाला, इसको जो जोड़ रहा है, उसका नाम होता है एस्ट्रोमा लेमिली, उसका नाम क्या है, एस्ट्रोमा लेमिली उसको बोलते हैं। तो बाकी ये सारे स्ट्रक्चर आई थिंक आप समझ चुके होंगे, थैलोकॉइड्स क्या है, ग्रेनम क्या है, और ग्रेना क्या है, ग्रेनम हो गया सिंगलर, समझ रहे हैं, और पूरे कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं एक तरह से। और ये थैलोकॉइड्स कहाँ पे पाया जाता है, एस्ट्रोमा के में, ठीक है, कहाँ पे, एस्ट्रोमा है, जहाँ पे या कोई भी, ये बोलना है कि जो भी क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट रिएक्शन होता है, क्लोरोप्लास्ट में तो होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है, तो बोलना होगा थैलोकॉइड्स में होता है। ठीक है, इस तरह से एस्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन जिसको बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वहाँ पे होता है, तो इस तरह लाइट रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं, थैलोकॉइड्स के, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के थैलोकॉइड्स में किया हुआ करते हैं। तो ये चीज़ है, इसके बाद हम लोग तो इसमें क्या है कि अब हो सकता है थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझ लें, ये क्या होता है ना, जो आपका प्लास्टिड ट्रांसफॉर्म भी करता है ड्यूरिंग चेंजिंग ऑफ कलर। जैसे मान लें कि टोमेटो का कलर अभी जानते हैं शुरू में क्या होता है, येलोइश टाइप का रहता है, फिर ग्रीन होता है, फिर रेड होता है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, जो कलर में जो चेंजिंग्स आ रहा है, क्या हो रहा है कि प्लास्टिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। जितने भी कलर आप देख रहे हैं, जैसे मान लें कि जो आपका रेड कलर का रोज होता है ड्यू टू प्लास्टिड होता है, येलो कलर का आपका कह सकते हैं जो ये रोज होता है उसमें भी आपका ड्यू टू प्लास्टिड होता है, और कह सकते हैं फ्रूट्स का भी जो देख रहे हैं कलर सारा है अलग अलग, जैसे मान ले शुरू में देखेंगे आप एप्पल्स का कलर क्या होता है, ग्रीनिश होता है,
तो धीरे धीरे जो कलर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, समझ जाइए कि एक तरह से कलर का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक तरह से बोलिए कि प्लास्टिक का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए और कुछ हम लोग आइडिया ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो है मेजरली जो हम लोग को मिलता है, जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट और जन है रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ग्रीन कलर टू द प्लांट्स एंड विच कंटेंट द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उसके अंदर कौन सा पिगमेंट रहता है, क्लोरोफिल्स होता है, पिगमेंट्स होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, जो ये मेजरली कहाँ पे पाया जाता है, मेजोफिल सेल में। तो मेजोफिल सेल एक्चुअली, मेजोफिल सेल किसको बोला जाता है, जो कि क्लोरेनकाइमा सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, और जो ये पाया जाता है बिटवीन आपका लोअर एंड अपर एपिडर्मिस ऑफ द लिप्स, ये पत्ते में पाया जाता है, लोअर एंड अपर एपिडर्मिस ऑफ द लिप्स मीन्स बिटवीन द लोअर एंड अपर। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू होता है ये। ठीक है, तो वहाँ पे मेजरली क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सब चीज़ हम लोग आज के वीडियो में सीखने को हम लोग को मिला कि ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, सारे चीज़ कवर हो गया। और एक चीज़ फाइनली मैं एक पर डायग्राम को डिस्कस करना चाहूँगा, कर देते हैं। आप ये सारे चीज़ देख रहे हैं कि लीमेन समझ गए हैं कि इसके अंदर जो आपका देख रहे थे एल्गाइड्स के अंदर भी जो स्पेस है, या फिर ग्रेनम के अंदर जो ये स्पेस है, एक स्टैक्स जो बना हुआ है, पॉइंट्स का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अंदर जो इंटरनल स्पेस होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोला जाता है। और ये पूरे को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, एक को ग्रेनम, टोटल को, ठीक है, टोटल सेट को क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलते हैं, ग्रेनम। और ऐसा ऐसा बहुत सारा सेट अगर मिल गया, ऐसा ऐसा इसको मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तो बोलते हैं इसको, बोलते हैं ग्रेनम, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और इसी को थोड़ा सा ज्वाइन कर देंगे स्ट्रोमा लेमिनी से, इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, फाइनली थैलकोइड्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थैलकोइड्स, जहाँ पे लाइट रिएक्शंस होता है डूइंग, मतलब कि फोटोसिंथेसिस। तो आई थिंक आपको इतनी बात याद रखना चाहिए, और इतना बात अगर आपको याद रहता है तो प्लास्टिड के मामले में आप थोड़ा सा अपने आप को सेफ फील करोगे। कहीं पर आपको ये नहीं लगेगा कि मैं प्लास्टिड नहीं जानता हूँ, या फिर कोई बुक्स पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो उस वो भी नहीं होने वाला है। डायग्राम आपको मान ली कोई भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई भी बुक हो, डायग्राम भी आपको आसानी से अब समझ में आ सकता है। ठीक है, तो ये तो सेल ऑर्गेनेल हम बढ़ा रहे हैं, इसके बाद कोई नए ऑर्गेनेल के साथ आएंगे। आप लेक्चर पर बने रहें, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।